खबर दिल्ली के सटे गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली जाने के लिए रविवार यानी आज से हिंडन पर बने नए पुल पर वाहन फर्राटे भरने लगेंगे। वाहनों के लिए आज से पुल खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का समय मिलने के बाद पुल का लोकार्पण होगा। 22 करोड़ रुपए की लागत से बने 176 मीटर लंबा और 7.50 मीटर चौड़े 3 लेन का पुल 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। जीडीए के मुख्य अभियंता राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से वाहनों के लिए पुल खोल दिया जाएगा। पुल जर्जर होने से 5 साल पहले इसे 2017 में बंद कर दिया गया था। इस कारण से सुबह दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। पुल शुरू होने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिल जाएगी। मौजूदा समय में दिल्ली मोहन नगर जाने के लिए केवल 1 लेन का पुल है, जबकि वापसी में 3 लेन के 22 पुल हैं। इसीलिए लोगों को सुबह यहां पर जाम में फंसना पड़ता है। गाजियाबाद से मोहन नगर की तरफ प्रतिदिन 50,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं।